पर्यावरण प्रेमी एसएसआई अशोक यादव की मेहनत, लगन से छावनी थाने के पीछे निर्मित पुलिस क्वार्टर के समक्ष लगाए गए पौधे अब पेड़ के रूप में तब्दील हो चुके हैं या विभिन्न औषधियों फलों के साथ छायादार पौधे लगाए गए हैं। जिला पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक अशोक यादव ने पर्यावरण को बचाने, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके पीछे उनकी मेहनत और लगन है। छावनी थाना के पीछे मैदान में विभिन्न प्रजातियों के अनेकों पौधे सालों पूर्व रोपे गए थे, जिनकी निरंतर देखरेख अशोक यादव ने अपने परिजनों के साथ की। इसके फलस्वरूप अब पौधे पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं। अशोक यादव ने आरक्षक से लेकर एएसआई तक का सफर तय किया, लेकिन पौधों की देखरेख को कभी नहीं भूले। उनकी अनुपस्थिति में पौधों की देखरेख का कार्य परिजनों द्वारा किया जाता रहा। यहाँ हर्रा, बहेड़ा, आंवला, चीकू, कटहल, आम, जाम आदि के पौधे लगाए गए थे, जो अब पेड़ बन चुके हैं। एएसआई अशोक यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आपकी कृपा से 16/9/1983 को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ और 1994 में मैं सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त किया और इसी दौरान मेरे को 87 से आवास आवंटित होने से 2005 से मैं ये वृक्षों का रोपण शुरू किया हूँ। यहाँ पर पर्यावरण के हिसाब से ये पीपल का, बड का, नीम का, आम का, आंवला का, चीकू का, संतरा का, केला का, ये पर्यावरण के हिसाब से करण का ये सारे वृक्ष को यहाँ पर रोप करके और ये पर्यावरण के लिए मैं प्रयास किया हूँ आपके कृपा से। लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण ही एक प्रमुख उपचार है। आज प्रदूषण इतना हावी है कि कई प्रकार की बीमारियाँ आ रही हैं और परिश्रम करके आते हैं तो स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। पुलिस में तो रात दिन जगना है, मेहनत करना है, लोगों की जान माल की सुरक्षा पुलिस विभाग की सबसे बड़ी नैतिक जवाबदारी है और इस बीच में नींद को और परिश्रम करके और फिर आकर आराम करने के लिए पर्यावरण के आधार पर मैंने वृक्षों का यहाँ पर रोपण किया है और इसी दौरान मेरे साथ एक सिपाही अमित नायक जो शहीद हुआ था, जिसका स्मारक मैंने यहाँ पर स्थापित किया है, जो काफ़ी मदनवाड़ा में शहीद हो गए थे। बहरहाल अन्य लोगों को भी अशोक यादव के कार्य से प्रेरणा लिए जाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण की रक्षा करी जा सके। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग पौधे लगाकर भूल जाते हैं और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, नतीजतन पौधे मुरझा जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।